बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम अगेन टू नोवा सक्सेस सीरीज 2020। मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया है कि कामयाब इंसान अपने अमल, अपनी कोशिश और अपनी मेहनत से पहचाना जाता है, महज अच्छी बातें करने से नहीं। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। CSS में कामयाबी हासिल करने वाले अपने हमसरों से अलग थलग नजर आते हैं। इस जमात में शामिल होने वालों में कोई ना कोई जाती इम्तियाज जरूर मौजूद होता है और ये इम्तियाज इनकी कामयाबी की दलील होता है। CSS 2020 में नोवा स्टार सैयद फैजान हैदर जैदी ने ब्रिटेन में 690 नंबर हासिल किए और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट हुए। आइए इनसे सुनते हैं कि क्या चीज इन्हें दूसरों से मुमताज करती है। अस्सलाम वालेकुम फैजान। वालेकुम अस्सलाम मैम। फैजान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सिंस यू हैव बीन एलोकेटेड टू द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। फैजान, सबसे पहले जो मैं आपका प्रोफाइल पढ़ी थी तो द थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज कि आपने अपनी जो तालीम हासिल की है वो अकाउंटिंग और फाइनेंस में है और आपकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है, तो ये एक करियर शिफ्ट है एक तरह का जी। तो क्या ड्राइविंग फोर्स थी इस करियर शिफ्ट के पीछे? मैम, इसके दो तीन रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि एज अ पर्सन मैं प्राइमरीली मोटिवेटेड रहा हूँ मीनिंगफुल वर्क करने के लिए। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विस एक ऐसा करियर पाथ है क्योंकि मैं एज अ पर्सन इंटरेस्टेड हूँ इस सोसाइटी में, इस सोसाइटी के इश्यूज में और उनके हल तलाश करने में। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू मैं ये अपने शौक पूरे कर सकूँगा। दूसरी चीज़ आई थिंक जो रीज़न है वो ये कि क्योंकि मेरी एजुकेशन इस तरीके से थी तो मैं देख चुका था कि कॉर्पोरेट लाइफ किस तरीके से होती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करती है, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी थी। तो हैविंग डन दोज थिंग्स मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे ये शिफ्ट करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वक्त के साथ साथ मुझे ये रियलाइज़ होता रहा कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की बहुत नेमतें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होती। उनको यूटिलाइज़ करना इस वे में कि मैं सोसाइटी को गिव बैक कर सकूँ, ये मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो एज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये लगा कि ये ज़रूरी है मेरा कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ। ठीक हो गया। देखिए, मतलब आपने बड़ी खूबसूरती से बात बताई है कि बिकॉज देयर इज अ पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज कि सोसाइटी को गिव बैक भी। एब्सोल्युटली ठीक हो गया। तो फैजान, अगर हम बात करें आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बैकग्राउंड की, तो क्या आपके अकाउंटिंग और फाइनेंस के बैकग्राउंड ने आपको CSS की तैयारी में मदद दी या नहीं? एब्सोल्युटली मेरा ये नज़रिया है कि आपने जो चीज़ भी बैकग्राउंड में पढ़ी हो उसको अगर आप CSS के इम्तिहान में पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो वो आपको हेल्प करेगी, चाहे वो IR हो, पॉलिटिकल साइंस हो या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो। एंड डेफिनेटली क्योंकि मैंने ऑडिट एंड अकाउंट्स पहले से पढ़ा हुआ था और मैंने ये सब्जेक्ट CSS में ऑप्ट किया तो इसका मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एज मिला, मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा मिला और इस फायदे की वजह से मैं काफ़ी स्टैंड आउट कर सका। ठीक है, तो आई बिलीव दैट यू हैड 164 मार्क्स। आई हैड 165 मार्क्स। 165 मार्क्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो 165 मार्क्स एक सब्जेक्ट में लेना ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई थिंक आई हैव हर्ड दिस र्यूमर दैट प्रोबेबली पाकिस्तान में आपके हाईएस्ट नंबर हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। या आई हैव हर्ड दैट टू बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, हमें पता चल जाएगा थोड़े टाइम तक। तो फैजान, अगर हम बात करें इंग्लिश एसे की, तो इंग्लिश एसे इज वन सब्जेक्ट जो कि अमूमन अक्सर लोगों का फेल होता रहता है। एंड यू हैव क्लियर्ड CSS इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी इन डूइंग योर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश एसे? मैम, मुझे ये लगता है कि एसे के लिए व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप एसे के लिए ना हर कोई अपनी अपनी एक डायरेक्शंस देता है, आप सबकी डायरेक्शंस सुने एंड देन स्टिक टू अ पैटर्न, जो पैटर्न आपको कंफर्टेबल लगता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक कंटेंट डेवलप हो जाता है विद टाइम, जब आपने एक पैटर्न सीख लिया है उसको कंजेक्टिवली उसको आप प्रैक्टिस करते रहें। मैंने अपने एसेज के लिए आउटलाइंस एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस की थी और इसके अलावा मैंने फुल फ्लेज्ड एसे भी लिखे थे, प्रैक्टिस की थी। सो आई न्यू कि मैं कितने वक्त में कितने अल्फाज लिख सकता हूँ, मुझे वो कैलकुलेशन का अंदाज़ा था और इस वजह से आई थिंक एग्जाम डे पर परफॉर्म करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो प्रैक्टिस आई थिंक एसे के लिए बहुत की है। सही, तो क्या आप पास्ट पेपर्स वाले एसेज अटेम्प्ट करते थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, रैंडम टॉपिक्स पर लिखा करते थे? नहीं, उसमें ये था कि कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको एकेडमी से मिल जाते हैं, वो टॉपिक्स प्रैक्टिस किए। इसके अलावा पास्ट पेपर्स, आई थिंक प्राइमरी सोर्स जो है वो आपकी पास्ट पेपर्स होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए।
तो उसमें मैंने एसेज के जो है वो जो भी मुझे टॉपिक अच्छा लगता था, द आइडिया इज टू बिल्ड अप रिटन प्रैक्टिस. सो जो एसे समझ में आया उस वक्त और लगा कि ये मैं 3 घंटे में लिख सकता हूँ, उस पर मैंने एसे अटेम्प्ट किया पास्ट पेपर से देख कर. सही. तो फिजान, अगर ऐसे के बाद हम बात करें प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर की, तो प्रेसी वाला जो पेपर होता है उसमें प्रेसी होगी आपके 20 मार्क्स की, कॉम्प्रिहेंशन होगी 20 की, उसके अलावा 60 मार्क्स का जो पेपर है वो छोटी छोटी चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं. तो क्या आपने उन छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी भी की थी या आपकी ग्रामर शुरू से अच्छी थी और आपकी आपकी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी? मैम, अगेन मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत हूँ इस सेंस में कि क्योंकि मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से मुझे इंग्लिश पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ा, मेरी बेसिक इंग्लिश डेवलप थी. तो प्रेसी मुझे मुश्किल लगती थी और अभी भी मुश्किल लगती है, लेकिन इसके साथ जो उसके बाकी कंपोनेंट्स हैं उस पेपर के, वो मुझे इतने मुश्किल नहीं लगते थे. जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, ये वाली चीज़ें, idioms थे, इस तरीके की चीज़ों में मुझे इतना इशू फेस नहीं होता था. तो उसमें मैंने मेहनत की, बट उतनी मेहनत की कि जिससे मैं इंश्योर कर सकूं कि मैं मैक्सिमम मार्क्स ले सकूं, और इसके साथ प्रैक्टिस पर रिलाई किया. तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसी को रीइंफोर्स किया, उसी पर मेहनत की, और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हुआ वो पेपर. ठीक हो गया. तो फिजान, प्रेसी के बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स इज़ वन सब्जेक्ट इन CSS जो कि बहुत ज़्यादा वक्त भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी होती है और अप टू डेट भी रहना होता है टिल द डे ऑफ एग्जाम. बिल्कुल. तो आपने करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से की, कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए, करंट अफेयर्स के नोट्स किस तरह से बनाए? मैम, इसका जो मेरा तरीका था वो थोड़ा ट्रायल एंड एरर था. इनिशियली मैं करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं इसको एग्जॉस्टिवली नहीं पढ़ सकता, मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता. उसमें ये कि सर फरीद की करंट अफेयर्स की क्लासेस थी, उससे फ़ायदा ये होता था कि आपको पता चल जाता था कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं. वंस आई हैड दैट लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सो बाई दी एंड आई थिंक अराउंड नवंबर मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने 20-30 टॉपिक्स की लिस्ट जो कि मैं पहले बना चुका था उनको मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके, नोट्स लेकर, अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स यूज करके, उनके मैंने खुद अपने नोट्स बनाए जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी, और उन 20-30 टॉपिक्स को मैंने कम्प्लीटली प्रिपेयर किया by the end of my preparation. So शुरू में current affairs को हाथ लगाना I think is not right, at least in my opinion. उसको end में फिर आप important topics के notes बना के फिर आप उसको पढ़ सकते हैं. सही हो गया. मतलब इस वजह से, because like end date तक आप up to date रह सकते हैं. बिल्कुल, end date तक आप up to date रह सकते हैं, and उसके अलावा उसके साथ साथ current affairs का कोई end नहीं है. अगर मैं May में पढ़ने बैठूँ I will always be worried about current affairs by August. True. So उसको आप sideline रखें at least शुरू में, अपने बाकी subjects पर ध्यान दें, and then it is just one exam. Yeah. So उसको फिर आप treat करें as one exam around November, December. ठीक है. तो फैजान, करंट अफेयर्स के बाद अगर हम बात करें इस्लामियात की, तो इस्लामियात इज ऑल्सो वन पेपर जो कि अमूमन टारगेट होता भी रहा है, और बिकॉज वो एक ऐसा पेपर इसमें 40 नंबर चाहिए होते हैं आफ्टर एसे एंड प्रेसी. तो अगर हम इस्लामियात की बात करें, तो डिड यू प्रिपेयर एंड मेमोराइज ऑल दोज आयात, या फिर आपने ज़्यादा हेडिंग्स पे फोकस किया, ज़्यादा मफहूम लिखे थे, किस तरह तैयारी की थी? अच्छा मैम, इसमें यह है कि इस्लामियात का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड आता है. Yeah. वो थोड़ा अप्लाइड नॉलेज का पेपर है, इट्स नॉट जस्ट मेमोराइजिंग कॉन्सेप्ट्स. तो एक जो चीज़ मैं ज़रूर अपने हर क्वेश्चन में करता था वो ये, मैं एक हेडिंग ज़रूर देता था कि हाउ कैन वी अप्लाई दोज टीचिंग्स इन आर करंट लाइफ. ये मेरे हर क्वेश्चन में थी, ये एक चीज़ थी जो मैंने की. इसके अलावा आई थिंक एवरी वन टॉक्स अबाउट इट एंड आई फील दैट इस पर आप जितना भी स्ट्रेस करें वो कम है, कि रेफरेंसेस आपने यूज़ करने हैं, आयात्स यूज़ करनी है, आपने हदीस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है इस्लामियात में. और इसके साथ साथ आप इस्लामियात में अपने ओपिनियन से जो है वो, अपार्ट फ्रॉम जब आप क्वेश्चन आंसर कर लें, अपने ओपिनियन से आप स्टैंड आउट कर सकते हैं इस्लामियात के पेपर में. सही. तो अगर देखा जाए तो कुछ सवालात इस्लामियात के होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, जी, तो देन प्रोबेबली यू हैव टू पुट आयत. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और उसमें तो आप को इतनी लिखनी चाहिए कि आप बाकी अपने कंपेटिटर से स्टैंड आउट कर रहे हो. दो या चार लिखना इज नॉट इनफ, आपके ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में जो है वो एक रेफरेंस होना जरूरी है. ठीक है. तो क्या ये जो रेफरेंसेज हैं ये आप अपने एसे में भी इनकॉर्पोरेट करते थे, लाइक जनरल रेफरेंसेज और स्टैट्स वगैरह इसमें भी इनकॉर्पोरेट करते थे, या आपने ज़्यादा
ऐसे बगैर स्टार्स रेफरेंसेस के लिखे? नहीं, मेरा तो ये लॉजिक थी कि जहां पर भी मैं कोई केस स्टडी कोट कर सकूं, जहां पर भी मैं कोई स्टेटिस्टिक कोट कर सकूं, कोई भी फिगर्स कोट कर सकूं, मैप्स, डायग्राम्स, जो कुछ भी, उसको मैं ज़रूर करूं। पर्टिकुलरली ऐसे के मामले में, ऐसे में जो मेरे स्टैट्स थे, फिगर्स थे, वो मैं आउटलाइन में लिखता था अपने, सो दैट द एग्जामिनर नोज दैट वट एवर आई एम आंसरिंग इज नॉट जस्ट आउट ऑफ द एयर, वो जो है वो उसके पास, मेरे पास एक सॉलिड बैकिंग है। इट्स अबाउट आर्ग्यूमेंटेशन, तो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका जो भी एविडेंस है वो जरूर आपके पास होना जरूरी है, और वो सॉलिड एविडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही हो गया। तो जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, क्या पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में डिड यू रिलाई मोर ऑन द कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स और वर यू मोर फोकस ऑन द हिस्टोरिकल टॉपिक्स? अच्छा मैम, इसमें यह था कि मुझे, क्योंकि हिस्ट्री में ख़ुद भी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने आई थिंक ओवर कॉम्पनसेट किया उसको, मैंने हिस्ट्री पर ज़्यादा टाइम लगाया, उतना मुझे लगाना नहीं चाहिए था। ठीक है। इसके साथ साथ जो जब कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की बारी आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ज़्यादा टाइम इसमें लगना चाहिए। फिर मैंने उनको कंटेम्प्रेरी, आई डिवाइडेड पाकिस्तान अफेयर्स इन थ्री पार्ट्स। एक था प्री पार्टीशन हिस्ट्री, सेकेंड था पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री, एंड थर्ड था कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। प्री पार्टीशन हिस्ट्री के लिए एक किताब पढ़ी, पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के लिए एक और किताब पढ़ी, और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को मैंने करंट अफेयर्स के साथ मर्ज करके तैयार किया। सो ये मेरी पाकिस्तान अफेयर्स की स्ट्रैटेजी थी, और इसका फ़ायदा हुआ मुझे। तो फैजान, क्या आप अपने इन सब सब्जेक्ट्स के नोट्स भी बनाते थे, डिटेल नोट्स बनाते थे, या बुलेट पॉइंट्स, या वन पेजर, या ई नोट्स, किस तरह नोट्स बनाते थे? मैम, इसका तरीका ये था कि नोट्स जो है वो, मेरे तरीका ये था कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा, उसके उसी दिन नोट्स बनाए। सो जो पढ़ रहा हूँ उसके मैं हैंड रिटन नोट्स खुद बना रहा था। कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनके मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए, जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर के नोट्स भी बनाता था, वो मैंने सॉफ्ट कॉपी नोट्स बनाए उसके, और उनको अरेंज किया टॉपिकली। तो ये तो वो सॉफ्ट कॉपी नोट्स थे, बट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, यूएस हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस, बाकी पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, इनके हैंड रिटन नोट्स थे। और नोट्स का पॉइंट एटलीस्ट मेरे लिए ये था, और इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि आपके पास अपने नोट्स खुद होने चाहिए बजाय इसके कि किसी और के नोट्स हों, वो ये कि नॉलेज जो थी वो मेरे पास थी, जो मैं किताबों से पढ़ता था। मुझे नोट्स का फ़ायदा ये होता था कि वो मैं हेडिंग सिर्फ लिखता था नोट्स में, ताकि जब मैं वो पढ़ूं एग्जाम से पहले तो मुझे वो नॉलेज रिफ्रेश हो जाए, मुझे दोबारा से पढ़ना ना पड़े। सो शॉर्ट नोट्स बनाए शुरू से ही। सही। तो बेसिकली नोट्स में वो कंपलसरी हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हमारे जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इस डिस्कशन से बेसिकली टेक अवे ये है कि नोट्स आर कंपलसरी। एवरीबॉडी कैन मेक नोट्स एज पर देयर ओन नीड्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बट बुलेट पॉइंट नोट्स हैं वो बहुत जरूरी है एट द एंड ऑफ द एग्जाम। यस यस, एट द एंड ऑफ द टाइम। जी, बिकॉज़ वो एग्जाम से पहले तो आपके पास टाइम ही नहीं होता कुछ पढ़ने का, सो यू नीड दैट। तो अगर हम फिजान बात करें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो यू ऑलरेडी हैड द बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो उसने आपको काफी एड किया होगा जी। तो आपको अपनी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा? क्या आपको अपनी डिग्री के अलावा भी चीजें पढ़ना पड़ी, या वाज दैट नॉलेज सफिशिएंट? अच्छा, माय डिग्री वाज सफिशिएंटली गुड कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ना पड़ा, ज्यादातर चीजें मैंने पढ़ी हुई थी, बट जो चीजें मुझे पढ़नी पड़ी उन पर मैंने टाइम लगाया। सो मैंने उस सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लिया, इवन दो मेरा उसमें बैकग्राउंड था, मैंने उसके पास्ट पेपर्स पिछले 4-5 साल के सारे अटेम्प्ट किए, और बिकॉज अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट, अगेन ऑन द डे अगर आपको चाहे आपकी जितनी मर्जी नॉलेज है, इफ यू कैन नॉट गेट इट राइट, इफ यू कैन नॉट गेट द क्वेश्चन राइट, यू वॉन्ट गेट द मार्क्स, तो यू कैन नॉट विंग इट। सो उसके लिए मैंने बहुत पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की, और जो चीजें पहले से पढ़ी थी उनको रिफ्रेश किया, और जो नहीं पढ़ी हुई थी उनको फिर मैंने रिवाइज नए सिरे से पढ़ा, और उसको फिर रीइंफोर्स भी किया। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अलावा आपके और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल साइंस, यूएस हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, तो बिजनेस साइड के बारे में बात करते हैं, बिकॉज बिजनेस साइड, बिकॉज आई एम वेरी नाइव व्हेन इट कम्स टू बिजनेस साइड। तो बिजनेस साइड इज अ सब्जेक्ट जिसमें मैंने जो सुना है कि 5 सेक्शंस होती हैं, और 5 के लिए मुख्तलिफ 5 किताबें चाहिए होती हैं। तो आपने क्या इतनी किताबें पढ़ी थी, या फिर? अच्छा मैम, इसका नहीं, आपने जो सुना है वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो बात ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, वो जो 5 सेक्शंस है, बिकॉज मेरी डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में थी, मैंने कुछ ना कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ी हुई थी। जो 5 सेक्शंस हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बड़े ही बेसिक नॉलेज वो मांगते हैं। सो उसमें यह था कि 5 किताबें
ऑर्गेनाइज जरूर की थी लेकिन उनको स्किम किया था, टू द पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड चीज पढ़ी, उसके नोट्स बनाए. इट वॉजेंट लाइक कि पांच किताबें पूरी की पूरी पढ़ी. और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने सिलेक्टिव स्टडी की थी, कुछ चीज़ें छोड़ी थी जो नहीं पढ़ी थी मैंने, एंड वो फिर पेपर अच्छा हो गया. ठीक है, तो पता है हमारे जो सी एस एस एस्पिरेंट्स हैं उनके जो बेसिक क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर हम एफ पी एस सी का सिलेबस खोल के देखें तो हर सब्जेक्ट की 10-12 किताबें होती हैं रेफरेंस बुक. अगर इस्लामियात को देखें तो 42 के करीब किताबें. तो इतनी सारी किताबों में से ये फिल्टर आउट करना कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो क्या आपने हर सब्जेक्ट जनरली लाइक किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर सकते हैं, क्या उनके लिए आपने मल्टीपल सोर्सेज मल्टीपल किताबें इस्तेमाल की थी, या ऐसे भी सब्जेक्ट थे जिन पे आपने सोल वन बुक पे रिलाई किया था? मैम मेरी जो एक कहेंगे रूल ऑफ थंब था वो ये था कि दो किताबें यूज की फॉर ईच सब्जेक्ट. एक थी गाइड बुक जो सी एस एस स्पेसिफिक नॉलेज देती थी, बेसिक नॉलेज आपको उससे मिल जाती थी. एंड द सेकेंड बुक आई यूज जो किसी फॉरेन ऑथर की होती थी या किसी इस्लामियात के लिए किसी अथॉरिटी की वो बुक हो, तो वो बुक आपको देती थी एडवांस्ड नॉलेज, आपकी ओपिनियन मेकिंग वो बुक आपकी हेल्प करती थी. यूजुअली दिस वॉज द थिंग विच आई डिड. बट हैविंग सेड दैट, करंट अफेयर्स या इवन क्रिमिनोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस, इनके लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया. कोई किताब एज सच मैंने नहीं पढ़ी, जो किताबें थी वो स्किम की, बट उसके साथ साथ टॉपिक्स को मैंने सिलेबस से देखा और फिर जो है वो मैंने इंटरनेट को यूज़ किया, यूट्यूब हो गया या आपके और रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, उनको यूज़ किया टू हेल्प इन माई प्रेपरेशन. ठीक है, तो इस पूरी जर्नी में लाइक देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बीइंग सपोर्टिव ऑफ यू, तो क्या ऐसा टाइम आया व्हेन यू फेल्ट लाइक कि ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा जमा हो रही हैं चीज़ें, ख़त्म नहीं हो रही चीज़ें, तो वर देयर पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, बैकअप कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं आप कर जाओगे? मैम सबसे पहले तो वो लोग थे कि जिनसे मैंने पहली दफ़ा बात की कि मैं सी एस एस करना चाहता हूँ, उसमें मेंटोर्स थे, टीचर्स थे जिन्होंने हेल्प किया और जिन्होंने उम्मीद दी कि आप कर सकते हैं. उसके बाद दोस्त थे, कुछ दोस्त साथ दे रहे थे एग्ज़ाम, वो कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेटेड रखते हैं, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, आप उनको देख के मेहनत करते हो. बट देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी फैमिली, पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो लोग, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, उसमें वो लोग आपको देख रहे होते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू नो इतना टाइम लगा रहे हैं, बट उनका सपोर्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स के रोल पे जितनी बात की जाए वो बहुत कम है. सो ये मेंटोर्स, दोस्त एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स. ट्रू, तो अगर हम बात करें फैजान के सीएसएस की इस पूरी जर्नी में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपना पार्ट प्ले करते हैं, बट व्हाट कैन बी द वन फैक्टर लाइक एज पर यू, आपको क्या लगता है कि कोई एक चीज़ जो है दैट इज़ द डील ब्रेकर फॉर सीएसएस, कि अगर ये चीज़ मैं ना करता तो मेरा सीएसएस पास ना होता? मैम कोई एक चीज़ नहीं है, आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो यह है कि आपको अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर ये आपके हक में होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़ ये ख़ुद पे आपको यकीन होना चाहिए. अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें 2% पासिंग रेशो, इट इज़ वेरी ईजी टू गेट डीमोटिवेटेड. आपको ख़ुद पे एटलीस्ट इतना वो होना चाहिए यकीन कि मैं कर सकता हूँ. और जो तीसरी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी. पहले दिन जब आप बैठेंगे पढ़ने आपको कुछ समझ नहीं आता, बट बाय द टाइम यू रीच जनवरी यू रियलाइज कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. सो वो कंसिस्टेंट रोज़ बैठना, रोज़ पढ़ना, आई थिंक ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक हो गया, तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ द पीपल दैट आई हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ, उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने कहा है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल ठीक हो गया. तो फैजान इसके पूरे प्रोसेस में आप तैयारी तो कर लेते हो, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रिविजन के लिए वक्त नहीं बचता, तो क्या आपके पास रिविजन के लिए टाइम बचा था और आपने किस तरह से रिविजन की थी? मैम डेफिनेटली मैंने शुरू से अपनी स्ट्रेटजी ये रखी थी कि मैं कुछ टाइम को एलोकेट करूं रिविजन के लिए. मुझे मेरे एक मेंटोर ने ये गाइड किया था कि आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दो ओवर द नंबर ऑफ मंथ्स दैट यू हैव. तो मैंने शुरू में ही अपने लिए एक दिसंबर 15 की डेडलाइन रख ली थी कि बाय दिस टाइम मैंने अपने सब्जेक्ट्स अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. सो आफ्टर दिसंबर 15 मेरे पास रिविजन का ही टाइम था, और उस रिविजन की स्ट्रेटजी ये थी कि मैं अपने नोट्स दोबारा पढ़ता था. आई डिडंट गो टू एनी न्यू बुक और इवन दी ओल्ड बुक्स, आई जस्ट रिवाइज माई नोट्स और मैंने पास्ट पेपर्स देखे, पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए. सो हाँ, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. मैंने शुरू से ही क्योंकि टाइम मैनेज किया था तो मैंने रिविजन के लिए टाइम एलोकेट किया था, सो आई डिडंट स्ट्रगल विद इट. ठीक है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेंस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन, तो आपने फिर कोई टाइम टेबल भी बनाया होगा कि आपने उस स्ट्रिक्ट टाइम के दौरान में आपने वो सारी तैयारी भी कंप्लीट की। बिल्कुल मैम, सो बिकॉज आई थिंक मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी है और मुझे लगा कि ये फ़ायदेमंद भी है, मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड तैयारी लेके चलता था, तो मेरे गोल्स होते थे कि इस वीक में मैंने ये सब्जेक्ट करना है, इन 15 दिन में मैंने ये दो सब्जेक्ट्स करने हैं, सो वट एवर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन वॉज उसको फॉलो करके, और फिर उससे ये होता था कि मेरे दिन भी स्ट्रक्चर्ड रहते थे, अगर मुझे 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है सो आई न्यू कि उस दिन में मैंने क्या पढ़ना है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू डू वेल क्योंकि उनके पास एंड में टाइम नहीं बचता और फिर उनको अगले साल जाना पड़ता है। आई थिंक अगर आप शुरू से ही टाइम मैनेज करके चलें तो आप CSS डेफिनेटली कर सकते हैं। सही, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर तैयारी एज पर द टाइम टेबल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज की, दिस इज द की। तो फैजान, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली CSS एस्पिरेंट्स ही होते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपनी तैयारी करके और किस तरह से खुद को मोटिवेट रख के वो CSS को क्लियर कर सकते हैं? देखें, मैसेज सबसे पहला तो ये है कि अपनी नीयत साफ रखें कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं CSS एग्ज़ाम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि पहले भी मैंने बात की कि अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपने आप पर यकीन रखें, और जो चीज़ है उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कंसिस्टेंटली जो है वो आप मेहनत करते रहें, आपको कंसिस्टेंट मेहनत का फल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फैजान, आपने बहुत डिटेल तरीके से बताया कि किस तरह से CSS एस्पिरेंट CSS की तैयारी कर सकते हैं। आपको बहुत मुबारक हो एक दफा, बहुत शुक्रिया मैम, और अल्लाह ताला आपको दूसरों को फैज देने वाला और आपको सही मानों में फैजान बनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे साथ आज मौजूद थे सैयद फैजान हैदर जैदी, जिनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। फैजान ने बहुत ही बारीकबीनी से बताया कि किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हुए अपनी तैयारी मुकम्मल की और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट भी हो गए। हमें उम्मीद है कि उनकी इस जर्नी से और उनके इस इंटरव्यू से आप मुस्तफीद हुए होंगे। हम आएंगे दोबारा एक नई कामयाबी की दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।